हेलो एवरीवन तो आज हम इस वीडियो में इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे ये पार्ट थर्ड है वीडियो का और इससे पहले हमने दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्कस किए हैं हमने जिसमें कि पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या हैं एनर्जी फ्लो न्यूट्रन साइकिल एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन उन तीनों फंक्शंस को हमने अलग अलग वीडियो में देखा है फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एनर्जी फ्लो के बारे में सेकेंड वीडियो में हमने समझा न्यूट्रिन साइकिल्स क्या होती हैं थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे फिर उसके बाद उसके टाइप्स और स्टेजेस की बात करेंगे फर्स्ट हम डेफिनेशन से देखते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द स्टडी एंड ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज ऑफ अ गिवन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट आप देख सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है देखिए ये एक स्टडी और एक ग्रेजुअल चेंज होता है स्पीसीज का किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया में सपोज करो कि एक गिवन एरिया है कोई भी वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं रह रही है ना ही कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ रहता है फिर वहाँ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग हुई लाइफ लाइफ की स्टार्टिंग हुई फिर एक कम्युनिटी आई फिर दूसरी कम्युनिटी आई ऐसे करते करते वहाँ एक पूरी डाइवर्सिटी में चेंज हो गई पूरी ठीक है तो यही यहाँ पे बात कर रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है एक स्टडी धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस होता है स्टडी एंड ग्रेजुअल चेंज होता है species का किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया में विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट सेकंड डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाई विच नेचुरल कम्युनिटी रिप्लेस वन अनादर ओवर टाइम टाइम के साथ साथ वहां पे की जो नेचुरल कम्युनिटी होती है वो रिप्लेस होती रहती है एक के बाद एक ठीक है जो फर्स्ट सबसे पहली जो बायोटिक कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप होती है किसी बेर एरिया में उसे हम पाइनियर कम्युनिटी बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी के बाद जो जो लास्ट में कम्युनिटी बनेगी उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हो द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी विच डेवलप इन बेयर एरिया इज कॉल्ड पाइनियर कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल एंड फाइनल बायोटिक कम्युनिटी दैट डेवलप्स एट एंड ऑफ बायोटिक सक्सेशन आप पढ़ सकते हो इसमें देख सकते हो आप कम्युनिटी क्या एक, stable. है जब होगी 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 तो वो एक कैसी बिल्कुल बिल्कुल जो कि में जा कर के बनेगी अब जो पाइनीर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच की, की कम्युनिटी है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटी यहाँ पे पढ़िए इस लाइन को वेरियस बायोटिक कम्युनिटी दैट डेवलप ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन इस टर्म डेज सीरल और ट्रांजिशनल कम्युनिटी और इस पूरे एंटायर सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम पाइनीर से लेकर के क्लाइमेक्स तक कम्युनिटी को बनने तक को क्या बोलते हैं पूरा हम इस पूरे सीक्वेंस को नाम देते हैं सेरे द एंटायर सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन फ्रॉम पाइनर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड सेरे ठीक है ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है कि टाइम के साथ साथ कैसी एक कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है जहाँ कोई कम्युनिटी नहीं थी वहाँ धीरे धीरे कैसे एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो गई यहाँ पे हम एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअल में इकोलॉजिकल सक्सेशन होता किस तरह से सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि एक्सपोज्ड रॉक्स आए वेदरिंग के प्रोसेस सपोज करो कि रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ फिर रॉक्स में लाइक लगी धीरे धीरे करके ठीक है टाइम के साथ साथ लाइकेंस के बाद का पे पे फॉर्मेशन हुआ हुआ, हुआ पे। के बाद धीरे धीरे देखिए कि कैसे ग्रासेस ग्रासेस आई के बाद हर्बेशियस प्लांट्स आए और फिर श्रब्स का फॉर्मेशन हुआ और ऐसे करते करते यंग फॉरेस्ट से लेकर के मैच्योर फॉरेस्ट तक और लास्ट में हमें एक स्टेबल कम्युनिटी मिली जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी पूरा एंटायर फॉरेस्ट हमें मिला इसमें देखिए स्टेबल इसके बाद कोई भी यहाँ पे सक्सेशन नहीं होगा लास्ट स्टेबल कम्युनिटी हमें क्या मिली क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो देखिए कि जो हमें सबसे पहली हमने बात करी सबसे पहली कम्युनिटी जो हमें मिलती है उसे हम पाइनियर कम्युनिटी बोलते हैं उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी एंटायर कम्युनिटी होगी उसे हम ट्रांजिशनल कम्युनिटी बोलते हैं और जो लास्ट स्टेबल कम्युनिटी हमें जो मिलती है वो होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी और इस पूरे एंटायर सीक्वेंस को यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरे यहां तक एंटायर सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं सेरे तो आई होप आपको डायग्राम की हेल्प से समझ में आया होगा कि पाइनर कम्युनिटी क्या थी ट्रांजिशनल कम्युनिटी क्या थी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या थी और इस एंटायर पूरी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं सेरे तो हमने यहाँ पे देखा कि टाइम के साथ साथ कैसे कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है कैसे रॉक से पूरा एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ इसे ही हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसके टाइप्स। दो तरह के होते हैं ये प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन देखिए क्या होता है ये एक ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन है जिसमें कि ऐसे एरियाज में ये ग्रो स्टार्ट होती है जहां पे बिल्कुल भी लाइफ नहीं थी कभी इसकी डेफिनेशन से आप देख सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन सक्सेशन इकोलॉजिकल दैट इन इन लाइफलेस एरियाज़ सच रीजंस इज कम्युनिटी डिपेंडिंग अपॉन सबस्ट्रेटम एंड क्लाइमेट देखिए जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो कोई पांच या दस साल की प्रोसेस नहीं होती उसमें आ, काफी टाइम लग जाता है सौ से हजार साल का वक्त लग सकता है उसमें ठीक है प्राइमरी सक्सेशन भी वही बात कर रहा है कि बिल्कुल लाइफलेस एरियाज में ये सक्सेशन स्टार्ट होता है कि जहाँ पे ना तो कोई सॉइल का फॉर्मेशन था ना ही कुछ ऐसी लाइफ सस्टेनिंग चीजें थी वहाँ पे कि जो लाइफ को स्टार्ट कर पाती इसमें आप देख सकते हैं कि इट यूजली टेक्स हंड्रेड टू थाउजेंड ईयर्स किसी बायोटिक कम्युनिटी को स्टेब्लिश करने के लिए हजार साल तक यहाँ पे लग सकते हैं इसे ही हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं सेकेंड हम देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन जस्ट इसका उल्टा है प्राइमरी सक्सेशन में ऐसे ही जगह पे ये स्टार्ट हो रहा था जहाँ पे बिल्कुल ही लाइफ नहीं थी बिल्कुल एकदम न्यू सिरे से स्टार्ट होना था वहाँ पे लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि सपोज करो कोई हैबिटेट था कोई एरिया था वो किसी कारण से सपोज कर लो कोई नेचुरल

हो सकता है वहां जंगल में आग लगी हो या कोई फ्लडेड लैंड रहा हो लैंडस्लाइड के कारण हो सकता है अर्थ को न्यू सक्सेशन होता है उसमें थोड़ा जो प्राइमरी सक्सेशन के मुकाबले कम टाइम में इजिली uh, ग्रो हो जाता है इसमें जो टाइम लगता है वो पचास से सौ साल लग सकते हैं उसमें हमने देखा थाउजेंड ईय तक लग सकते हैं किसी कम्युनिटी को डेवलप होने के लिए टू कम्पलीट अ ग्रास लैंड एंड हंड्रेड टू टू हंड्रेड टू डेवलप अ कम्पलीट फॉरेस्ट तो आई होप आपको टाइप्स भी समझ में आए होंगे यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन होता क्या है देखिए प्राइमरी सक्सेशन हमने पढ़ा था कि बिल्कुल ही एक लाइफलेस एरिया में जहां पे सपोज करो कोई सॉइल ही नहीं है वहां पहले सबसे सब पहले सॉइल ग्रो होगी सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो बिल्कुल लाइफलेस एरिया में ये कोई कम्युनिटी ग्रो कर रही है देखिए बेयर रॉक है फिर वहाँ पे लाइकेंस ग्रो हुई स्मॉल एनिवल एंड लाइक प्लांट्स एंड लाइकेंस का फॉर्मेशन हुआ ग्रासेस एंड पेरिनियल्स श्रब्स एंड हर्ब्स वगैरह वहाँ पे ग्रो होंगे फिर लास्ट में एक पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमें मिलेगी फाइनल स्टेबल कम्युनिटी आगे हम सेकंड देखते हैं और इसमें हम देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं इसको बनने में यह है सेकेंडरी सक्सेशन सपोज करो कि कोई कम्युनिटी थी ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी उसमें किसी नेचुरल कारण से वहाँ पे ये फॉरेस्ट फायर हुई वो बिल्कुल कम्युनिटी ख़त्म हो गई उसके बाद एक से दो साल लगे उसको पाइन स्पीसीज को वहाँ पे इस्टेब्लिश होने के लिए एनअल प्लांट्स ग्रो हुए फिर तीन से चार साल में वहाँ पे ग्रासेस एंड पेरिनियल्स ग्रो हुए फिर आप देख सकते हैं पाँच से एक सौ पचास साल तक वहाँ पे बिल्कुल ही ओक ट्री यंग ओक ट्रीज ग्रो हुई और लास्ट एक सौ पचास से ज्यादा टाइम लग सकता है क्लाइमेट कम्युनिटी को स्टेब्लिश होने के लिए तो ये था सेकेंडरी सेकेंडरी सक्सेशन सक्सेशन आई होप आपको प्राइमरी एंड में में डिफरेंस समझ आया होगा अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन में स्टेजेस के बारे में जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पांच स्टेजेस गिवन है इनको हम फेजेस भी बोल सकते हैं कि फेजेस कौन कौन से होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के तो जैसे कि हम देख रहे हैं पांच फेजेस हैं पांच स्टेजेस यहाँ पे गिवन है

माइग्रेशन होगा स्पोर्स या सीड्स का ठीक है उसके बाद यहाँ पे एस होगा एस होने का मतलब है हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल होना एक ऐसे एरिया में जो पहले से क्या हो बैरन हो ठीक है सक्सेसफुल जर्मिनेशन होगा यहाँ पे प्रोपोक्यूल्स का या फिर हम बोल सकते हैं सीड्स का और उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा एस में बेर किसी बेर, बेर एरिया में उसके बाद जो तीसरा स्टेप इसमें होगा वो होगा एग्रीगेशन एग्रीगेशन का मतलब होना, मतलब होता है तो रिप्रोडक्शन की वजह से जो किसी पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा यहाँ पे इन्वेजन की वजह से सक्सेसफुलिसमेंट हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं इन्वेजन जो होता है वो तीन स्टेप्स में होता है माइग्रेशन सबसे पहले माइग्रेशन होता है फिर उनका सक्सेसफुल जर्मिनेशन होगा उन का और लास्ट में इंक्रीज होगी बढ़ेगा किस चीज के लिए फूड के लिए स्पेस के लिए एंड अदर रिसोर्स के लिए आफ्टर एग्रीगेशन द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज कम्पीट विद अदर ऑर्गेनिजम्स किस किस चीज के लिए कम्पीट uh, करेंगे वो फूड के लिए स्पेस के लिए एंड अदर रिसोर्सेज के लिए द इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन along with the interaction with the environment. अब इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है competition और इंट्रा स्पेसिफिक भी इंटर स्पेसिफिक हम इन दोनों में डिफरेंस जान सकते हैं इंटर स्पेसिफिक आपने देखा होगा में होता है इंटर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते हैं स्कूल्स में तो वो दो अलग अलग हाउसेज के बीच में होते हैं ठीक है थीके? तो इंटर मीन्स के दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा एंड जो इंट्रा स्पेसिफिक है इंट्रा स्पेसिफिक मतलब होगा हो कि सेम स्टेज है? देखते हैं कंपटीशन है, है हो चुका है उनके लिए फूड स्पेस और अदर रिसोर्स के लिए अब उनमें रिएक्शन देखने को मिलेगी रिएक्शन कैसे होगा मॉडिफिकेशन होगा उनके उनपे द मॉडिफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लास्ट में क्या हो जाएगा स्टेबलाइजेशन मीनस की

सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़्या शेयर कीजिए थैंक यू